नमस्कार, स्वागत है आपका खबर 9 में। मैं अक्षय तिवारी आपका तहे दिल से एक बार स्वागत करता हूँ। आज दिनांक 6 फरवरी 2019 से सब्जी मंडी व्यापारी एवं फल फ्रूट व्यापारियों द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल स्थायी सब्जी मंडी की मांग को लेकर कई वर्षों से परेशान हैं। सब्जी मंडी विक्रेता नहीं है, नगर पंचायत के पास कोई स्थायी हल अब नहीं मिलेगी, नलखेड़ा में सब्जी ना ही कोई फल फ्रूट मिलेगा। जब तक इनकी समस्याओं का हल नहीं होता, इनकी हड़ताल खत्म नहीं होगी। ये कहना है फल फ्रूट सब्जी विक्रेता के। इस संबंध में सभी व्यापारियों द्वारा नगर में रैली निकालकर तहसीलदार महोदय को ज्ञापन देने के लिए तहसील में पहुंचे। तहसीलदार नहीं मिलने के कारण नायब तहसीलदार श्री शर्मा को दिया ज्ञापन। वहीं आने वाले लोकसभा चुनाव में सब्जी व्यापारियों द्वारा वोट नहीं देने के लिए फैसला करेंगे। चुनाव का बहिष्कार, हाट बाजार की व्यवस्था नहीं है, सब्जी मंडी की कोई उचित जगह, नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा कई बार आश्वासन दिया गया, लोगों को नहीं की गई आज तक स्थायी व्यवस्था, नागरिक लोगों को करना पड़ेगा परेशानी का सामना। वहीं सब्जी नहीं मिलने से गृहिणी होंगी परेशान, महिलाओं में बड़ी चिंता। वैसे इन लोगों की मांग जायज है, शासन प्रशासन को इस ओर अतिशीघ्र ध्यान देकर इनकी व्यवस्था करनी चाहिए। भाई साहब, हमारे सब्जी और फूड व्यापारियों के लिए विगत 25 सालों से हम नगर पंचायत से मंडी के लिए, दुकानें लगाने के लिए, जगह के लिए बोल रहे हैं। इन 25 सालों से हमें केवल आश्वासन मिले जी, जगह आज तक नहीं मिली। नगर नलखेड़ा में 30 साल से सब्जी मंडी लग रही है, जीरापुर के अंदर 4 साल हुए सब्जी मंडी चालू हुए, वहाँ पे मंडी के लिए जगह दी गई है उनको। पुरानी गल्ला मंडी जो थी वो जगह उनको गोडाउन दिए गए हैं, मंडी चल रही है। सुसनेर में मंडी लगती है, उनको जगह फड़ बना के दी गई है। कानड़ में सब्जी मंडी है जो अभी 4-5 साल से चालू हुई है, एक नंबर टीन सेट बना के दिए गए उनको। हमें आए दिन कोई यहाँ से भगाता है उधर चले जाओ, वहाँ से कोई गाली दे के भगाता है सब्जी वालों को उधर चले जाओ, उधर से उधर दुकान लगाते हैं महीने दो महीने, वहाँ से दूसरी जगह चले जाते हैं। उस प्रकार से इनका भी कोई जीवन, भाई कोई लखपति आदमी सब्जी की दुकान नहीं लगा, गरीब आदमी दुकान पे मार्केट में रोड पे फुटपाथ पे ठेला लगाता है। अभी आप लोगों की जो मंडी लग रही है, आए दिन इनके चालान बना दिए जाते हैं जी। ये तो रोड की बात हो गई, अभी मंडी आप कहाँ खरीदते थे अभी तक, जगह पे कौन सी जगह पे खरीदते थे? अभी तक सर्वप्रथम मंडी चालू हुई थी हमारी शोक बाजार में, होस्तवाल जी का जो मकान है वहाँ पे मंडी थी हमारी सबसे पहले। वो नगर पंचायत द्वारा बेच दी गई पहले, उस बात को लगभग 30 साल हो गए होंगे। वहाँ से फिर हमें चौक बाजार पंचोकी हनुमान जी के सामने वहाँ लाया गया, 2-4 साल वहाँ लगी। उसके बाद में फिर नीमा जी के मकान के कुमार सेरी जिसको अपन बोलते हैं मैदान, वहाँ लाया गया, 2-4 साल वहाँ पे निकाले सभी ने। उसके बाद में गणेश जी वाली अपनी धर्मशाला के पीछे पार्क जहाँ बना हुआ है, 2-4 साल वहाँ पे निकाले। कोई स्थायी जगह मंडी की नहीं है सब्जी मंडी की। उसके बाद में हमारे यहाँ गणेश जी की जगह में अभी बिठा रखा है, लगभग 5 साल यहाँ भी हो गए हमें जी। और गणेश जी वाले भी मीटिंग करके अगर कह दे कि हम यहाँ धर्मशाला बना रहे हैं तो हमारा कोई अधिकार नहीं है यहाँ पे, यहाँ से हमको बैठना पड़ेगा। सही बात भाई, उनका तो हमारे ऊपर एहसान रहेगा कि इतने दिन हमें यहाँ बैठ करके हमारी रोजी रोटी, हमारे सब व्यापारी भाइयों ने बाल बच्चे पले इनके, इसके लिए उनके एहसान मंद हैं हम। वो अगर कहें तो हम ये जगह 1 घंटे में खाली करने के लिए तैयार हैं। आप ये चाहते हो कि हम ये चाहते हैं कि सब्जी मंडी के लिए हमें कोई भी स्थायी जगह मिले। आगरमालवा से राजेश शर्मा की रिपोर्ट। तो ये थी आज की खबरें, बने रहिए हमारे साथ खबर 9।